ये देखिए एक बच्चे को देखिए कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा, अपनी छोटी बहन को आगे पढ़ाने के लिए, उसको आगे बचाने के लिए। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मेरा भी जो है यहाँ पे उद्घाटन हो जाएगा। केजरीवाल जी देख रहे हैं आप, सुसु जाते हो? पूछो इसे, सुसु जाते हो? कैसी बाथरूम नहीं जाते? नहीं। तो मैडम से बोला, मैडम साफ करवाओ। मैम से बोला। और बच्चों का अलग बाथरूम है, और मैडम जाती तो साफ सुथरे में, बच्चों के लिए गंदा है। बच्चे जब लैट्रिन करके आ जाए उसमें पानी नहीं एक बूंद, जो बच्चा धोएगा भी। सफाई करने के लिए है कोई अंदर? नहीं। स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में, और मैं फलक इरफान इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में। आप शायद मेरे पीछे का नज़ारा देखकर सोच रहे होंगे कि मैं किसी गांव में आई हूँ जहाँ पर तालाब बना हुआ है, या फिर किसी हिल स्टेशन पर। पीछे आपको नदी भी दिख सकती है भाई, मिट्टी ज़्यादा है। लेकिन मैं बता दूँ कि मैं कहीं घूमने नहीं आई हूँ, ना ही मैं दिल्ली से बाहर हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आउटर दिल्ली में। जी हाँ, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, यानी कि रोहिणी से आगे कुछ दूर आएंगे आपको तो मेरे इस हाथ पर पड़ता है मुंडका, और मेरे उल्टे हाथ पर पड़ती है किराड़ी विधानसभा। किराड़ी विधानसभा के विधायक इस बार आम आदमी पार्टी के ऋतुराज झा हैं, और यहाँ के पार्षद भाजपा के हैं। लेकिन आप एक बार ज़रा हालात देख लीजिए, सड़क है और गाड़ी भी आ रही है। भैया इन्होंने बहुत ही देर करी है, इनके पास कोई चारा नहीं होगा ज़रूर। देखिए ज़रा इनकी गाड़ी की हालत, जो जिस तरह से गाड़ी आ रही है ना, आई एम श्योर छोटी गाड़ी है, इसके अंदर पानी भरेगा ज़रूर। तो देखिए इनकी मजबूरी, ऐसे में इनको गाड़ी ले जानी पड़ रही है, और भैया क्या इन्होंने गाड़ी भगाई है। चलिए ये हालात यहाँ के अभी नहीं हैं, दिल्ली में बारिशें नहीं चल रही हैं। दिल्ली में फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है, और बारिशों से अभी हम बहुत दूर है। लेकिन एक बार आप ज़रा इनकी गाड़ी का हाल देख लीजिए, कितना बुरा हाल है। यही रास्ता है यहाँ के लोगों का निकलने का, ये मजबूर है। गाड़ियाँ तो खरीद ली, लेकिन सड़क सरकार ने बनाकर नहीं दी। यहाँ पर दूसरी तरफ सड़क जा रही है। आइए कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, इनसे बात करते हैं। पहले बता दूं कि हम भव्य नगर जा रहे थे, क्योंकि हमारे हावंडी पर जो है रिक्वेस्ट आई कि मैम आप हमारे एरिया में आइए, यहाँ की हालत दिखाइए। यहाँ से आगे रानीखेड़ा की ओर जा रहे थे, रास्ते में ये सड़क दिखी। देखिए एक और बस जो है यहाँ से शायद आने लगी है, और यहाँ पर लोग भी इकट्ठा है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है जी राकेश रंजन रविदास नाम है, भाग बिहार के रहने वाला हूँ जी। और यहाँ पे मैडम बहुत बुरा हाल है, कहीं आने जाने के लिए रास्ता हम लोग के नहीं है। अभी आपके सामने आप खुद देख रहे हैं कि कितना बुरा हाल है। हमारी गाड़ी भी नहीं जा पाती है, ना हमारे बच्चे जा सकते। ये स्कूल है मैडम, इतना बुरा हाल है, इतना शर्म की बात है कि ये स्कूल है, हमारे बच्चे स्कूल में भी नहीं जा पा रहे हैं। ये स्कूल है सामने मैडम, स्कूल है ये, अभी चालू है, ये बंद है। चालू स्कूल है, बच्चे बड़ा मुश्किल से इसमें जा पाते हैं, और बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। और यहाँ तो है ही है, और हमारे इधर कॉलोनी में भी बहुत बुरा हाल है, जहाँ कहीं जाने आने का रास्ता भी नहीं बचा है। इस हाथ पे हमारे किराड़ी है, इस हाथ पे हमारे मुंडका है, इधर के क्या हालात है? मुंडका विधानसभा का तो बहुत ही बुरा हाल है, और इधर भी दोनों तरफ के एकदम बिल्कुल हालत बहुत खास्ता हो रखा है मैडम। ये जो सड़क है पानी भरा हुआ है, कब से भरा हुआ है? ये करीब करीब 3-4-5 महीने हो गए मैडम, जब से पानी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं सरकार कर रही है। यहाँ के विधायक ऋतुराज झा है, कभी कम्प्लेन भी? हाँ सारे, बहुत सारे कम्प्लेन भी किया, धरना प्रदर्शन हुआ, कितने बार हम लोग बोले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही मैडम। देखिए आप जरा सड़क के इस ओर पर देखिए, एक खाने की दुकान है, इस ओर स्कूल है, थोड़ी देर में यहाँ से बच्चे निकलेंगे, और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ के बच्चे जो हैं यहाँ पे इतनी मुसीबत से आते हैं पढ़ने। देखिए पेरेंट्स आना शुरू हो गए हैं बच्चों को लेने के लिए। खाने की दुकान है, आप ही की दुकान ही है भाई साहब? नहीं हमारे। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। ये क्या हालत है यहाँ के, कभी आप लोगों ने शिकायत करी? पूरा भाग बिहार में यही हाल है, तो क्या बताऊँ, सभी आदमी आके देख लीजिए। आप भी इंक्वायरी करते हैं, लोग बाग करके चले जाते हैं, ठेकेदार कहते हैं बनेगा बनेगा, 102 साल हो जाता है, बनाता नहीं रोड, खाली संभावना होता बनेगा बनेगा, यही यहाँ का हाल है। तो
आप लोगों ने शिकायत भी करी, मीडिया आई यहाँ पर दिखाने, मीडिया वाला भी आते हैं लोग वाग इकट्ठा करके, अपना मीडिया वाला भी कह के सुन के चले जाते हैं, कोई कार्रवाई तो होता नहीं है, कार्रवाई नहीं हो पाती है। नहीं नहीं भाई, देखिए हमारा काम है कि हम ऐसी जो शिकायतें हैं लोगों की वो सरकार तक पहुँचाएं, लेकिन सरकार कार्यवाही नहीं करती है। आइए देखिए इधर महिलाएं जो है जुटना शुरू हो गई है बच्चों को लेने के लिए। क्या नाम है मैडम आपका? खतीजा। आप बच्चों के लिए वेट कर रही हैं? जी। किस तरह से आप बच्चों को यहाँ भेज रही हैं? बहुत ही अनहाइजीनिक, बहुत परेशानी होता है मैडम यहाँ पे। अब क्या करें, दुकान के पास खड़े हो तो दुकान वाले भगाते हैं, स्कूल पे आ जाओ, स्कूल बंद है, यहाँ पानी भरा, हम लोग मैडम कहाँ खड़े, फिर भी पानी में खड़े होकर अपने बच्चे को लेके जाते हैं, कोई भी नहीं सुनता हमारे लोग की परेशानी। वोट मांगना होता है तो घर घर आते हैं, और जब जीत जाते हैं तो कभी घूम के देखते नहीं हैं, तो इतने परेशानी है। बच्चे को पढ़ाना है तो फिर क्या कर सकते हैं, नहीं आएंगे फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे, और कोई सुनाई नहीं होता है, ना कभी हम लोग के बच्चे को राशन मिलता है, कोई चीज़ ना हमारे बच्चे के खाते में कभी पैसे आते हैं, और है सरकारी स्कूल। तो ये गली में भी एक बार आपको हाल दिखा देती हूँ, भैया आए लोगों ने बोला एक बार गली का भी हाल देख लीजिए। तो ये देखिए घर के बिल्कुल आगे ही गली में देखिए पानी भरा हुआ है, और मच्छर इन पानी में पैदा होते हैं, और ऐसे में ही जो दिल्ली में बीमारियां फैलती है ना, कोरोना कम है क्या जो ये मच्छरों से मरने वाली बीमारियां और यहाँ फैल रही है। देखिए आगे पानी के अंदर कितनी गंदगी है, कितना कूड़ा है, ये लोग भी यहीं कूड़ा फेंकने को मजबूर है क्योंकि आसपास और कोई जगह नहीं होगी। ये देखिए स्कूल का बैक साइड है, ये आपको स्कूल दिख रहा है, ये उत्तरी निगम का स्कूल है ये, और ये यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, ये इनसे भी बात कर लेते हैं। यही रहती है आंटी जी? अच्छा, क्या हालात है यहाँ के? देख लो हालात तो देख ही रहे हो, बहुत बुरे हैं। बीमारी से यहाँ आए दिन बच्चे बड़े कुछ ना कुछ होता ही रहता, कोई समाधान नहीं है। शिकायत नहीं करी आप लोगों ने? शिकायत बहुत करते हैं यहाँ के MLA से भी, सबसे भी कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो आप लोग कैसे यहाँ पे रहने को मजबूर है? मजबूरी क्या करे, मकान खरीद रखे रहना पड़ रहा है, गिर का पैर भी टूट गया मेरा तो आदमी का। अच्छा, पीछे बाबा जी भी बैठे हुए हैं, बाबा जी यहीं गिर गए क्या? हाँ, ये पानी भरा था यहीं गिर गया। कब कब की बात है? ये अगस्त में बारिशों में। अच्छा, बारिशों में तो और पानी भर जाता होगा, बहुत बुरे हाल, पानी इतना सोना आ जाता है। अच्छा, बहुत दो दो फुट पानी हो जाता है यहाँ। तो आप लोग कैसे यहाँ पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं? बीमारियाँ भी बहुत, मच्छर आते होंगे, क्या करें, हम जाएंगे कहाँ, थोड़े थोड़े पैसे करके खरीद लिए, गाँव से जमीन बेच बेच के खरीदे, अब कहाँ जाए छोड़ गया बताओ, कहाँ जाए बताओ। विधायक को शिकायत करी? बहुत बार कर दी, कोई सुनाई नहीं होती है। ये किराड़ी विधानसभा मुंडका में आता है? ये मुंडका में किराड़ी में आता है, ये किराड़ी में आता है। यहाँ के ऋतुराज झा हैं जी। अच्छा, तो उन्होंने कभी आपकी सुनी नहीं? कभी आए नहीं देखने, सुनने की तो दूर, कभी वो आए ही नहीं यहाँ। हाँ, बस जब वोट लेना होगा तभी भर दिखेंगे, उसके बाद तो एक बार भी नहीं दिखते। क्या कह रही है अम्मा? जब वोट मांगने को होता तब आते हैं, उसी नहीं आते हैं, देखने भी नहीं आते हैं। यहाँ स्कूल में ही सारे जा रहे हैं, पानी जा रहे, पानी भरा पड़ा है, भल के जाते हैं बच्चे, क्या करे, कई दाई मीडिया वाले आए देख देख के चले गए, कई कई कुछ नहीं हुआ, कार्यवाही कभी नहीं, कभी नहीं कार्रवाई होता है। अरे बारिश होता है, ना पानी भर जाता है, इसमें निकलना पड़ता, अब क्या करे, मकान के नाते मकान छोड़ के कहाँ कोई जाएगा, वोट मांगने को होता तब आएंगे, उसी नहीं आएंगे, सरकार ने नहीं सुनी कभी, कुछ नहीं सुनी सरकार। तो यहाँ गलियों के अंदर भी आए हैं यहाँ का हाल दिखाने, और जरा एक बार देखिए पीछे संभल कर प्लीज, ये देखिए, ये गलती मत करिएगा यहाँ पे पैर रखने की, क्योंकि पूरा पानी है, उसके ऊपर कूड़ा करकट है, पूरी काई है, पूरा एक दलदल बना हुआ है। बाबा जी आपका घर है ये? हाँ जी मेरा घर है। तो कैसे रह रहे होंगे, मच्छर तो बहुत पनपते होंगे, पूरी रात सो नहीं पाते हम, बहुत पूरी बुरा हाल है हमारे जो। कितने लोग हैं आपके घर में? ये हमारा पूरा परिवार है, अभी गए काम पे गए हुए हैं, छोटे बच्चे भी होंगे? छोटे बच्चे भी हैं। अच्छा, या आप यहीं गिर गए थे? हाँ यहीं गिर गया था, मेरा पैर टूट गया। अच्छा, कितनी पुरानी कॉलोनी है ये बसी हुई? ये तो काफी पुरानी है जी, बहुत पुरानी है। कितना दिन होगा भाई? 30 साल से ज्यादा होगी। कितनी होगी भैया पुरानी है? 30 साल पुरानी, 30 साल से ज्यादा हो चुकी है इस कॉलोनी को। और ये दिल्ली है? ये नई दिल्ली है, मैं आता ही है। बताइए। कुछ नहीं हुआ यहाँ पे आज तक, बस नेता लोग जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तब भी आते हैं, बोलते होगा होगा, उसके बाद कोई आता ही नहीं। केजरीवाल जी को यहाँ पे जिताया आपने, ऋतुराज झा है आम आदमी पार्टी के, लेकिन दोनों तरफ आम आदमी के MLA हैं, आम आदमी के ही MLA, लेकिन कोई सुध बुध कोई लेने वाला नहीं है। वो कहते करेंगे करेंगे, लेकिन कभी आज तक तो हमने देखा नहीं हमारे MLA कौन है, वो कभी आए नहीं इस कॉलोनी में, कभी कुछ कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत बुरा हाल है, जीना बड़ा। कब से ये दलदल जो है बना हुआ है? ये इसको काफी टाइम हो चुका है मैडम,
इसको 5-6 साल से ज्यादा हो गया है। पीछे स्कूल भी है। तो ये कभी साफ करने की कोई मुहिम नहीं? कुछ नहीं है मुहिम, ये सारा स्कूल का पानी भी इसी में आता है, बोला लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये देखिए जरा आप एक बार देखिए, ये हम उत्तर पश्चिमी दिल्ली में जो है मौजूद है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लगती है, मुंडका और किराड़ी विधानसभा के बीच में हम मौजूद है। देखिए एमसीडी के स्कूल है हम आपको दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, उसी स्कूल के पीछे कि ये जो है मैं आपको जगह दिखा रही हूँ, पूरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो दलदल में विस्थापित हो चुका है। यहाँ देखिए जस्ट बगल में सटे हुए घर हैं और जो भी नालियों का पानी जाता है यहीं जमा होता है, बारिश का पानी यहीं जमा होता है। सीवर वगैरह नहीं है क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। हाँ। कुछ भी नहीं है, सीवर भी नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना नाली है ना सीवर है। कभी लगवाने की मांग नहीं की? बिल्कुल करी है मांग, लेकिन लेकिन हुआ ही नहीं ना पूरा। या तो गली ही बनी है तो बताओ नाली और सीवर कहाँ से बनेंगे? तो यही तो बात है ना, बताओ आप क्या करें जाए फिर इसमें। तो आप लोग मतलब मजबूर हैं फिर यहाँ रहने के लिए? क्या करेंगे, क्या करेंगे क्या?